देश के पूर्वी छोर पर समंदर की लहरें मचल रही हैं, हवा का प्रचंड प्रवाह हो रहा है, वेग काफी तेज है। कोलकाता में जबरदस्त बारिश भी दर्ज की जा रही है और इन सब के बीच बंगाल की खाड़ी में रीमाल तूफान का खतरा हर गुजरते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा है। तूफान का यह खतरा कितना बड़ा है, आइए आपको उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। लहरों से होगा संग्राम, आ रहा है तूफान, 120 वाली रफ्तार, होगा प्रचंड प्रहार। समस्त जनसाधारण एवं पर्यटक के विशेष टकराने वाला है तूफान, मंजर होगा खौफनाक। ये तूफान के आने से पहले की आहट है, तटों से तूफान के टकराने से पहले की हलचल है। तूफान अभी तटों से दूर है लेकिन समंदर की लहरें अभी से मचल रही हैं, तो फिर अंदाजा लगाइए उस मंजर का जब बंगाल की खाड़ी से होता हुआ तूफान साक्षात बंगाल के समुद्री तटों से टकराएगा। रीमाल तूफान धीरे धीरे लैंडफॉल की तरफ बढ़ रहा है। 26 से 27 मई की दरमियानी रात को इसके टकराने की संभावना है। ईस्टर्न नेवल कमांड लगातार तूफान के पाथ को मॉनिटर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात सीवियर हो सकता है और इसका लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बंगाल के खोपूपारा के बीच होने की संभावना है। रात में बिटवीन बांग्लादेश कोस्ट और जो वेस्ट बंगाल कोस्ट में को क्रॉस करेगा बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपारा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर कोलकाता, हावड़ा, नादिया, पूर्व मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना पर हो सकता है। तूफान को लेकर एहतियात के तौर पर कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो भी समझ लीजिए। ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ फिलहाल सन्नाटा पसरा है क्योंकि एयरपोर्ट पर फिलहाल उड़ानें टाल दी गई हैं। कोलकाता में तटीय इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों पर भी तूफान की आहट का असर दिख रहा है। कई ट्रेनों के परिचालन को फिलहाल रोक दिया गया है। बंगाल में तूफान आने के बाद राहत और बचाव के लिए नौसेना के सीकिंग, चेतक हेलीकॉप्टरों और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रैपिड तैनाती के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है। स्पेशल डाइविंग टीम को कोलकाता में रखा गया है। दो फ्लड रिलीफ टीम कोलकाता में तैनात की गई हैं। इसके अलावा डाइविंग टीम को विशाखापत्तनम में स्टैंड बाय पर रखा गया है। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेजिशन पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई हैं। उसमें दो टीम पूर्व मेदिनीपुर में, दो टीम साउथ पश्चिम मेदिनीपुर में, एक हावड़ा, एक हुगली। ये पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीरें हैं जहां वाटर रेस्क्यू टीम के सदस्य लोगों को समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों को लेकर अलर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, खराब है, धीरे धीरे कल से आज ज्यादा है, कल से आज ज्यादा है, खराब है। समंदर के इन तटों पर तूफान के आने से पहले कैसे लोग उसका शोर महसूस कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों से सुनिए। हम मौसम तो जैसे फोरकास्ट था तो उसी हिसाब से तो मतलब पूरा तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे खराब हो रहा है, लेकिन सारे सतर्क तो ज़्यादातर लोग हो गए हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि लोग ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो आ रहा है वो भी मतलब सेफली एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार 90 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। 200 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है और समंदर में इस दौरान तूफानी लहरों की ऊंचाई 1.5 मीटर तक हो सकती है। तूफान को टाला तो नहीं जा सकता, हाँ इससे बचाव और उसके असर को कम करने के लिए जो इंतजाम किए जा सकते हैं वो सब मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब इंतजार है 26 और 27 मई की दरमियानी रात का, जब तूफान के बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। आयकर विभाग ने नासिक के कनाजा कॉर्नर स्थित सुराना ज्वेलर्स पर एक बड़ी छापे की कार्रवाई की है। मालिक के कथित अघोषित लेनदेन की खबर मिलने के बाद की गई कार्रवाई के दौरान
सुराणा ज्वेलर्स के मालिक के आवास और निर्माण कंपनी महालक्ष्मी बिल्डर्स पर छापे की कार्रवाई की गई। आयकर विभाग के द्वारा मारे गए छापे में लगभग 26 करोड़ रुपए नकद और 90 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए। आयकर विभाग ने ज्वेलरी स्टोर और मालिक के घर पर एक साथ छापे की कार्रवाई की थी। अधिकारियों की कई सारी टीमें दिन भर वित्तीय रिकॉर्ड, लेन देन संबंधी डेटा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो अघोषित आय और संभावित संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की व्यापक जांच के लिए छापेमारी को अंजाम दिया गया। आयकर विभाग सुराणा ज्वेलर्स और महालक्ष्मी बिल्डर दोनों के तमाम वित्तीय लेन देन रिकॉर्ड की सावधानी पूर्वक जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है।